देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तब किसानों को 36,000 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। जी हां, 30% MSP बढ़ने के हिसाब से सरकार के अगले कार्यकाल में किसानों को मिलने वाली धान की कीमत 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक कर दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को इसका लाभ अगले साल से मिलने लगेगा। चौबे के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के किसान मिलकर फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि किसानों की मदद से कांग्रेस 75 का आंकड़ा पार कर दिखाएगी। राज्य सरकार पहले ही समर्थन मूल्य के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति क्विंटल 9,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसके चलते ही प्रदेश के किसानों को धान की भरपूर कीमत मिल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज शाम रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद राजधानी पहुंचते ही खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर बैठक में चर्चा होगी। अगले दिन शुक्रवार को राजनांदगांव में खड़गे की सभा होगी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रात 8 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उन्हें रिसीव करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और डिप्टी CM TS सिंहदेव समेत पार्टी के कई बड़े नेता एयरपोर्ट जाएंगे। इसके साथ ही नवा रायपुर के होटल मेफेयर में मीटिंग होगी। यहां पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। टिकट के अलावा घोषणा पत्र और अन्य चुनावी मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में होटल गंगाश्री में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात छापा मारा। ये होटल कांग्रेस के बड़े नेता योगेश शुक्ला का बताया जा रहा है। गंगाश्री होटल में संचालित आर क्लब बार पर एक रेड हुई, जिसमें मध्य प्रदेश की शराब बरामद की गई। आपको बता दें कि पुलिस को मध्य प्रदेश की शराब लाकर होटल में खपाने की सूचना मिली थी। इसके साथ ही इसके आधार पर SP त्रिलोक बंसल के नेतृत्व में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। यह लाइसेंस की मात्रा से अधिक 46 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। इसकी कीमत लगभग बाजार में बताई जा रही है कि 4,92,000 तक इसकी कीमत को आंका गया है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के 2 IAS अफसरों के प्रभार में बदलाव किया है। शासन ने दुर्ग कमिश्नर महादेव कावरे को IAS जनक पाठक के पदों का प्रभार दिया है। इसके साथ ही जनक पाठक को दुर्ग संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। शासन के जारी आदेश के मुताबिक दुर्ग कमिश्नर महादेव कावरे को आवास और पर्यावरण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। साथ ही वाणिज्य कर विभाग का विशेष सचिव और आबकारी अभियुक्ता का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके साथ ही कावरे को नगर और ग्राम निवेश प्रबंधन संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आयुक्त बनाया गया है। अब तक के सारे प्रभार जनक पाठक के पास थे, जिसके बाद जनक पाठक को कावरे की जगह दुर्ग संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। पाठक को 14 अगस्त 2023 से ही स्टेट मार्केटिंग ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।